दतिया जिले में दुष्कर्म और रुपए हड़पने के आरोपों से घिरे शहर कांग्रेस अध्यक्ष और एसटीएससी एक्ट के मामले में फरार अनिल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी मामला गर्माता जा रहा है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का मुद्दा दलित समाज की महिलाओं ने उठाते हुए गिरफ्तारी करने की मांग की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश झा और कांग्रेस नेता अनिल श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर दलित समाज की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी डी कल्याण चक्रवर्ती के नाम एसपी आरडी प्रजापति को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश झा दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में फरार हैं, जबकि अनिल श्रीवास्तव एससीएसटी एक्ट के मामले में फरार हैं। कोतवाली पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर रही है। दलित जाति की महिलाओं के साथ शोषण हो रहा और ऐसा हो रहा है, ऐसा अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। हम लोग क्या करें, कैसे रहें, हमारी बहू बेटी कैसे घूमेंगी, आज उनके साथ कल किसी के साथ हो सकता है। हम लोग तो इसके नहीं, इसमें कोई बात नहीं है पार्टी बंदी की, इसमें तो केवल हमारे यह दलित जाति के साथ ये गलत निर्णय हो गया, इसको होने नहीं चाहिए। इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, सुरेश झा को गिरफ्तार करना चाहिए। उसमें ऐसा गलत काम करा है जो दलित जाति के साथ क्यों किया है, ऐसा वो उसने करा है तो उसकी बिल्कुल गिरफ्तारी करनी। महिलाओं ने ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जल्द ही कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा दलित समाज की महिलाएं सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। इसमें भी मुकदमा कायम हुआ था, 376 और 420 का मैटर है। अब इसमें अभी विवेचना चल रही है और जैसे ही विवेचना में पाया जाता है कि ये कृत्य उनके द्वारा किया गया है, तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और विवेचना पूर्ण होने पर तत्काल गिरफ्तारी करेंगे। और इसमें पुलिस का कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ विवेचना में टाइम लगता है, कथन लेने पड़ते हैं, साक्ष्य एकत्रित करना पड़ता है। लोगों को समझ नहीं है कि पुलिस में कानून में कुछ विवेचना भी होती है, जांच भी होती है, उसके बाद ये सब चीज़ें होती है। इसमें जो गंभीर अपराध रहते हैं इसमें 90 दिन का समय रहता है गिरफ्तारी के लिए और बाकी जो विवेचना है उसके लिए।